तीन, तीनों के तीन जुड़े हुए थे, इसके देखें 103, तीसरा जुड़ा हुआ नहीं था, नहीं, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, पहले। अब अच्छे हम सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि सेकंड कंडीशन किस तरह से है। यहाँ पर है 4-4, 1 अटैच के साथ, 2 अटैच के साथ, 3-4, क्या है फंक्शन? Yes. है ना फंक्शन, क्यों? इसके सारे एलिमेंट जुड़े हुए हैं इसके एक के साथ। अब यहाँ पर देखें बच्चे, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, ये वाले इसके साथ, क्या ये भी फंक्शन? यस सर, है ना फंक्शन। इसके अंदर देखें बच्चे, 1, 2, 1, 2, 3 है, यहाँ पर 4 है, 5 है, 6 है, 7, ये 1 अटैच है 4 के साथ और 2 अटैच है 5, 1 अटैच है 4 के साथ और साथ ही 1 अटैच है किसके साथ, 5 के साथ। इसी तरह से ये 2 अटैच है 6 के साथ और 3 अटैच है 7 के साथ, क्या ये फंक्शन? नहीं सर, क्यों है? सेकंड कंडीशन बच्चे क्या कहती थी, ए का बी के कौन से एलिमेंट होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितने एलिमेंट आ गए इसके, 2 रो आ गए, तो ये यहाँ पर इसने क्या कर दिया, रिपीट कर दिए, इस वजह से ये फंक्शन नहीं सर। तो हमने समझाएंगे देखें बच्चे, हम दोबारा मैं इसको रिपीट करता हूँ, मैंने ये कहा था कि दोनों कंडीशन को मैंने चेक करना है। पहली कंडीशन ये थी कि ईच एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए, देखें सारे एलिमेंट जुड़े हुए हैं, सारे जुड़े हुए हैं, सारे जुड़े हुए हैं, सारे जुड़े, फर्स्ट कंडीशन ठीक है। इसमें देखें फर्स्ट कंडीशन ठीक नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर 3 बच जाए तो ये फिर फंक्शन। दूसरी कंडीशन ये थी, कहता था कि आपके पास बी का यूनिक होना चाहिए, मतलब ए का एक बी के एक के साथ हो, ए का एक बी के दो के साथ ना हो। तो यहाँ पर देखें बच्चे, ए का एक 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 के साथ हो, ये भी एक एक के साथ है, लेकिन यहाँ पर वन कितने के साथ, दो के साथ। यहाँ पर कौन सी कंडीशन फेल होती है बच्चे, सेकंड कंडीशन फेल। यहाँ पर कौन सी कंडीशन फेल है, फर्स्ट कंडीशन फेल। इन दो के अलावा सारे क्या है, फंक्शन। समझ आ गई बात, दोबारा रिपीट करो। वैसे अगर इसको देखा जाए, इसको आप कंसीडर करें, अगर ये फर्स्ट करें ये फादर है और ये क्या है सन, यहाँ पर देखें बच्चे ये फादर है और ये क्या है सन, ये फादर सन और ये क्या है फादर सन, फादर ये क्या है, ठीक है। इधर देखें जी, ईच फादर हैज सिंगल चाइल्ड पॉसिबल, सो इज इट फंक्शन। यहाँ पर देखें बच्चे, वन फादर है वन चाइल्ड, वन फादर है टू चाइल्ड, पॉसिबल है बच्चे, ये भी फंक्शन है। यहाँ पर देखें जी, वन फादर है वन चाइल्ड, फाइव फादर है टू चाइल्ड, सेकंड फादर है वन चाइल्ड, ठीक है, बट देयर इज चाइल्ड बट नो फादर, तो इसका मतलब फादर डिफाइन नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, ये फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पर देखें बच्चे, ईच फादर हैव सिंगल चाइल्ड, ईच फादर हैव सिंगल चाइल्ड, ईच फादर हैव अ सिंगल चाइल्ड, बट टू फादर हैव अ सिंगल चाइल्ड, यहाँ पर देखें बच्चे, दो बाप और एक बेटा, दैट इज नॉट पॉसिबल, सो अगेन दिस फंक्शन। समझ आ गया बच्चे, दोबारा पीछे का फंक्शन क्या होता है और फंक्शन को जाहिर कैसे किया जाता है, किस तरह से नोटेशन इसकी क्या होती है, फंक्शन को एच से जाहिर किया, ए से किसकी तरह कहते हैं आपके पास, ठीक है, क्या समझ आ रहा है। अब थोड़ा हम आगे चलते हैं, डोमेन और कोडोमेन को बात करते हैं, उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि फंक्शन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होती है डोमेन, एक होती है क्या चीज़, डोमेन, और दूसरा आपके पास क्या होती है, रेंज, एंड थर्ड वन इज कोडोमेन। एक आपके पास क्या है, डोमेन है, दूसरी आपके पास क्या है, रेंज है, तीसरी आपके पास क्या है, कोडोमेन। यहाँ देखिए बच्चे, ये फंक्शन है x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, एक फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइडेड। इधर क्या पुट करो कि नीचे 0 आए बच्चे, एको ये सर हमारे इसमें पुट करें 2 या 2 की जगह कोई और, इधर x है नीचे, क्या पुट करो कि 0 आंसर आए, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको पुट करने से नीचे 0 आ जाए, क्योंकि नीचे तो कांस्टेंट है, इसका मतलब इसकी डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर, क्या कहेंगे बच्चे, इसकी डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, हर नंबर इसके अंदर पुट कर सकते हैं, तो डोमेन आप क्या कहेंगे, डोमेन इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, डोमेन सारे के सारे किसके अंदर, रियल नंबर। यहाँ पर देखिए बच्चे, क्या पुट करूँ कि नीचे 0 हो जाए, प्लस 1 है ना, तो क्या पुट करेंगे तो 0 होगा, माइनस 1, तो यहाँ पर देखें हर वैल्यू पुट कर सकते हैं ऑल रियल नंबर, बट कौन सा नहीं पुट कर सकते, x इक्वल टू माइनस, x इक्वल टू माइनस 1 आपने इसके अंदर पुट नहीं कर, सारे रियल नंबर पुट कर सकते हैं, माइनस 1 नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते बच्चे, देखें 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1 प्लस 1 ये किसके इक्वल होते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 0 व्हिच इज अनलिमिटेड, तो मतलब हर वो वैल्यू x की, हर वो वैल्यू डोमेन कहलाती है
जिस पर आपका फंक्शन डिफाइन होता है, मतलब अनडिफाइन ना है, तो उसको आप क्या कहेंगे, वो क्या डोमेन। समझ आ गया? आप देखिए इस फंक्शन के लिए हमारे पास ये सारी डोमेन थी, सारे रियल नंबर थे ना इस फंक्शन के लिए, इस फंक्शन के लिए सारे रियल नंबर थे ना। अब इस फंक्शन के लिए देखें बच्चे, क्या सारे रियल नंबर है? नहीं, इसके अंदर एक होल आ गया और उस होल में से क्या निकल गया, यहाँ से सारे रियल नंबर है लेकिन माइनस वन। बच्चे जब इस तरह की चीज आ जाती है, इसको कहा जाता है एनुलर डोमेन। क्या कहा जाता है? एनुलर। इसको क्या कहते हैं? एनुलर डोमेन। और इसको क्या कहा जाता है? डोमेन। डोमेन इतना पता चल गया, डोमेन फंक्शन की डोमेन इज अ सेट ऑफ वैल्यू एट व्हिच आवर फंक्शन इज डिफाइंड। आवर फंक्शन इज डिफाइंड, जिसके ऊपर हमारा फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा। यानी डिफाइन का मतलब नीचे जीरो ना आ जाए, तो उसको आप क्या कहेंगे, ये क्या आपके पास डोमेन। क्लियर है बच्चे? दोबारा रिपीट करो। अब जो भी उसका आंसर आता था बच्चे, यहाँ पर देखें इसके अंदर हमने देखा ये तो उसको छोड़ देते, अभी मैं फंक्शन ले रहा हूँ, इसको मैं निकाल दिया। यहाँ पर देखें वन पुट किया, तो वन क्या थी बच्चे, इसकी डोमेन थी। आंसर इसका क्या है? फोर। ये इसकी क्या कहलाएगी? फोर। यहाँ पर भी क्या, तो ये जो आंसर आया इसको आप क्या कहेंगे, रेंज। रेंज भी यहाँ पर देखें, इधर मैं देख रहा हूँ, ये यहाँ पर है वन टू थ्री, वन टू फोर, ये सारे लिमिट इसके साथ है। यहाँ पर देखें बच्चे वन टू थ्री, ये है फोर फाइव सिक्स सेवन। ऊपर वाले नीचे वाले में क्या फर्क है? लिंक एलिमेंट कितने हैं यहाँ पर बच्चे? एक दो, कितने एलिमेंट लिंक है बच्चे? तीन। यहाँ पर कितने एलिमेंट लेंगे? तीन एलिमेंट लेंगे, तो ये तीनों इसकी क्या कहलाएंगे? यहाँ पर रेंज क्या है इसकी बच्चे, कितने लेंगे? एक दो तीन। रेंज इसकी क्या बच्चे? तीन। लेकिन टोटल एलिमेंट कितने हैं? टोटल कितने बच्चे? टोटल यहाँ पर हमारे पास कितने हैं? टोटल हमारे पास है फोर फाइव सिक्स सेवन, बट लिंक एलिमेंट कितने बच्चे? फोर फाइव सिक्स। जो लिंक एलिमेंट हैं इनको रेंज कहा जाता है, और जो टोटल एलिमेंट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बच्चे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोड डोमेन एंड रेंज? ऑल द रिलेटेड एलिमेंट, एसोसिएटेड एलिमेंट, जो जुड़े हुए हैं, जो लिंक कर रहे हैं, उनको क्या कहते हैं बच्चे? क्या है आपके पास? डोमेन रेंज के बाद उन्हें क्या कहते हैं? रेंज। तो यहाँ पर जो टोटल एलिमेंट है उन्हें हम क्या कहेंगे? कोड डोमेन। इस केस में कोड डोमेन क्या बच्चे आपके पास? इस केस में कोड डोमेन कितने? वन टू थ्री, यही। इस केस में रेंज कितनी है बच्चे आपके पास? वन टू थ्री। इस केस में रेंज और डोमेन के आपस में इक्वल। यहाँ पर देखें बच्चे क्या इक्वल, रेंज क्या है? वन फोर फाइव सिक्स, ये रेंज। और कोड डोमेन क्या है बच्चे यहाँ पर? फोर फाइव सिक्स सेवन, तो ये दोनों इक्वल। समझ आ गई बात? दोबारा रिपीट करो। फंक्शन क्लियर है, रेंज समझ आ गए, डोमेन समझ आ गए, कोड डोमेन क्लियर है। किसी का कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं देगा, सबको समझ आ गया। आगे चले, स्टार्ट।